हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, क्वैम मॉड्यूलेटर 32 टीएस इन वन आईपी का कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन बताने जा रहा हूं। इसमें आपको मक्सिंग करना बताऊंगा, स्क्रैम्बल कैसे करते हैं चैनल को, किस तरीके से फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर सकते हैं, एलएसडीटी कैसे बनाते हैं, ईच एंड एवरी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो प्लीज इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मुझे एक डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए आईपी है 10.0.0.103, उसे डाल के मैं लॉगिन करता हूँ। सब आईडी पासवर्ड डालता हूँ मैं। आईडी पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। ये मल्टी क्वैम मॉड्यूलेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें मॉनिटर में इनपुट स्टेटस लिखा हुआ है, जिसमें आप पर्टिकुलर टीएस को वॉच कर सकते हैं, आउटपुट स्टेटस में फ्रिक्वेंसी वाइज वॉच कर सकते हैं, टीएस कॉन्फ़िगरेशन है, स्क्रैम्बलर है, मॉड्यूलेटर है, ये सारा चीज है। तो मैं एक एक करके सब कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम टीएस कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। 32 टीएस का क्वैम मॉड्यूलेटर है, जिसमें अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं मक्सिंग करना बताऊंगा कैसे मक्सिंग करते हैं चैनल का। तो दोस्तों देखिए, आउटपुट टीएस वन है, स्ट्रीम है, जनरल है, पीट पास है। एक एक करके सारा बताता हूँ। सबसे पहले आउटपुट टी एस वन पर क्लिक करते हैं। इसका ए है बेसिकली दिखाने का मकसद कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 32 टी एस दिखा रहा है आपको। आप जिस टी एस पे काम करना चाहते हैं, जैसे भी बाय डिफॉल्ट टी एस वन पे है हम लोग हैं, आप टी एस फाइव पे काम करना चाहते हैं तो इसे सेलेक्ट करके टी एस फाइव सेलेक्ट करिए, टी एस फाइव पे आप चले जाएंगे। अगर आप टी एस टेन पे करना चाहते हैं, नाइन पे करना चाहते हैं, नाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप टी एस को चेंज कर सकते हैं। तो मैं टी एस वन पे आके ये छोटा कन्फिगेशन करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक हमें आईपी डालना होता है, जिससे सपोज इनकोडर या आईआरडी, जहां से भी आपको डेटा लेना है उसका आईपी मैं ले लेता हूं। तो प्लस वाले पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस इनपुट स्ट्रीम कॉन्फ़िगरेशन का खुलेगा। सबसे पहले है दोस्तों डेटा इंटरफेसेस। डेटा इंटरफेसेस में आप देखेंगे डेटा वन डेटा टू है। तो क्वैम के बैक साइड में आप देखेंगे तो डेटा इनपुट के लिए दो पोर्ट लगे हुए हैं, डेटा वन है एक, डेटा टू पोर्ट है। तो आप जिस भी डिवाइस का आईपी कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आप कौन से उसका इनपुट पोर्ट किस पे डाले हुए हैं, डेटा वन पे डाले हुए हैं, डेटा टू पे डाले हुए हैं, ये चीज आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने डेटा वन पे डाल रखा है तो डेटा वन सेलेक्ट करेंगे, जो भी मल्टीकास्ट आईपी है मल्टीकास्ट आईपी डाल देंगे, और उसके साथ पोर्ट नंबर जो आपने डाल रखा होगा, सपोज मैंने 1003 डाल रखा है, उसके बाद इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप देखेंगे मेरा आ चुका है, ये पहले से ही डाला हुआ था, 1001 वाली 003 वाली ये भी डाल दिया। उसके बाद हमें नीचे आके बैक साइड में यहाँ पे पल्स प्रोग्राम करना है। पल्स प्रोग्राम करने के बाद चैनल जो भी उस पे होगा सारा रिफ्रेश होके आपको दिखने लगेगा। तो फर्स्ट प्रोग्राम हो चुका है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके से सारा चैनल दिख रहा है। ऑलरेडी मेरा इसमें 8 चैनल पास है। मैं आपको बताता हूँ मक्सिंग कैसे करते हैं। तो सपोज मान लीजिए आप इसमें 8 चैनल का मैंने डाल रखा है, आप चाहते हो 12 चैनल चलाना एक टीएस में, तो आप इस तरीके से 4 चैनल सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे 12 चैनल आपके इस साइड में पास हो चुके हैं। इस तरीके से आप मल्टीपल आईपी यहाँ पे कॉल कर सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी चैनल जिस भी डिवाइस से आपको लेना हो यहाँ पे मक्सिंग करके आप चैनल का टीएस बना सकते हैं। इसे टीएस बनाना कहते हैं। मैंने बताया आपको यहाँ से देखिए 8 चैनल पास कर रखा है और यहाँ से 4 चैनल, टोटल 12 चैनल मैंने पास कर दिया, इस साइड में आ गया है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर चैनल पर हमें कुछ एडिट्स करने होते हैं। स्टार प्लस है, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप जो भी चैनल का नाम है वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो मैंडेटरी फील्ड है, प्रोग्राम नंबर, जो भी सर्विस आईडी आपने हेड एंड में रख रखा है वो डालिए। फिर उसके बाद है लॉजिकल नंबर। लॉजिकल नंबर का भी मैं इसके बाद बताऊंगा इसका क्या लॉजिक है। ये डालने के बाद आपको अप्लाई करना है। इस तरीके से हर चैनल पे आपको जाकर सर्विस नेम और यहाँ पे आके प्रोग्राम नेम को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना है। इस तरीके से 12 चैनल आपने डाला है तो हर एक चैनल पे एक एक बार जाकर आपको करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बताता हूँ दोस्तों, उसके बाद जो मैं बता देता हूँ कि चैनल अगर आप ये डालना बता दिया, अगर आप निकालना भी चाहते, सपोज मान लीजिए मुझे 8 ही चैनल का टीएस बनाना है, तो 4 चैनल मुझे अगर रिमूव करना है टीएस से, तो ऐसे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है, वो चैनल ऑटोमेटिकली रिमूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट में 8 चैनल आपको दिख रहे हैं और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार आउटपुट पे, ये देखिए 8 चैनल हो गए। यहाँ से देखिए 8 चैनल निकल चुके हैं। इस तरीके से चैनल डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग जनरल पे। जनरल पे आने के बाद अगर आपके यहाँ PSISI लगा हुआ है और PSISI नहीं लगा हुआ है, दोनों सिनेरियो के लिए मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ PSISI आपके पास है
तो अगर देखिए सबसे पहले मेरा एक चैनल का है जो मल्टीकास्ट आईपी है उसका डाल रखा है। अगर पीएसआई एसआई है तो उसका एक आईपी जनरेट होती है जिससे डेटा आता है। जैसे मेरा देखिए पीएसआई एसआई का आईपी है मैंने डाल रखा है, यहाँ पे ऐड कर रखा है। उसके बाद हम जनरल पे आएंगे तो आउटपुट मोड में हमेशा मक्स आउट रखना है, बैट को इंसर्ट करना है। एसटीटी और बैट मैंने इसलिए यहाँ पे डिसेबल कर रखा है क्योंकि बैक साइड पीएसआई एसआई से मेरा एसटीटी सर्विस नेम का टेबल भी आ रहा है और बुक के फाइल भी आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिसेबल कर रखा है। अगर पीएसआई एसआई नहीं रहता तो मैं एसटीटी को और बैट को इंसर्ट करना पड़ता है, यहाँ पे ऐसे चेकआउट करना पड़ता है। मेरा ऑलरेडी फाइल पीएसआई से आ रहा है इसलिए मैंने डिसेबल कर रखा है। उसके बाद जो आपका आईपी ए यहाँ पे है ऑन आईडी जिसको कहते हैं नेटवर्क आईडी जो है वो नेटवर्क आईडी यहाँ पे डाल दीजिए, इस तरीके से डालना होता है। और उसके बाद आपको टीएस आईडी है, टीएस आईडी जिस टीएस पे जैसे भी TS1 पे काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे 1 रखा है, अगर TS2 पे अगर मैं काम करूंगा तो यहाँ पे TS2 रखना होगा। इस तरीके से आप टीएस आईडी भी आपको डालना होता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है एनआईटी। अगर आपके यहाँ पीएसआई एसआई है तो आप सीधा इसे डिजेबल कर दीजिए और आप अपना काम आगे का प्रोसीजर डिजेबल करके अप्लाई कर दीजिए और आगे का आपका प्रोसीजर डन हो जाता है। उसके बाद है पीट पास थ्रू। पीट पास थ्रू करना मैं आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले पीट पास में हमें देखना पड़ेगा इसका आईपी क्या है। जैसे आप देख सकते हैं चैनल थर्ड पे आ रहा है पीएसआई एसआई का डेटा, तो पीट पास पे आएंगे यहाँ पे थर्ड पे क्लिक करना है। यहाँ पे 10 नंबर हमारा एनआईटी के लिए हो जाता है, 11 नंबर हमारा बैट के लिए हो जाता है, 12 नंबर हमारा एसडीटी के लिए हो जाता है और 14 नंबर टीओटी एंड टीओएफ के लिए हो जाता है, टाइम ऑफ स्टेबल के लिए हो जाता है। उसे सेट कर देना इस तरीके से। अगर आपके पीएसआई एसआई लगा हुआ है तो पीट पास करना कंपल्सन है। अब मैं आपको बता देता हूँ अगर आपके यहाँ पीएसआई एसआई नहीं लगा हुआ है तो उस केस में आपको क्या करना है, एसडीटी को इंसर्ट कर लेना है, आपको बैट को भी इंसर्ट करना है यहाँ से, और उसके बाद एनआईटी में आकर आपको फॉर्म वेव करना है। और फॉर्म वेव करने के बाद यहाँ पे नेटवर्क आईडी जो भी है आपका 1234 वो डाल दीजिए, नेटवर्क नेम जो भी है एबीसी जो भी है आप यहाँ पे डाल दीजिए। और उसके बाद इस इंडेक्स पे क्लिक करना है और आपको पहला टीएस है पहला टीएस रखना है, ऑन आईडी में नेटवर्क आईडी जो है वो डाल दीजिए और आप फ्रीक्वेंसी 306 से स्टार्ट करते हैं, 306 डालना है। क्वैम आप कौन सा यूज कर रहे हैं, 64 क्वैम है, 64 क्वैम, सिम्बॉल रेट 6875 है, इसे ऐड कर देना है। इस तरीके से दोस्तों आपको अगर आप 32 टीएस यूज कर रहे हैं तो 32 फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनाना होगा। एक और मैं आपको बना के बता देता हूँ, TS2 है TS2 डाल दिया, 1234 ए डाल दिया। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मेरा क्या बड़ा 306 प्लस 8 करेंगे तो 314 हो जाएगा, क्वैम मेरा 64 है उसे करेंगे और ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद फिर से आप यहाँ पे डिजेबल जो है इस पे फ्रॉम वेब पे क्लिक करिए और देख सकते हैं दो फ्रिक्वेंसी मैंने जनरेट कर दिया है। इस तरीके से हर टीएस के लिए आपको फ्रिक्वेंसी जनरेट करना होगा और लास्ट में यहाँ पे आके अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के बाद फिर आपको एलसीएन यहाँ पे टीएस में आकर पर्टिकुलर चैनल को सिलेक्ट करना होगा। ये जो लॉजिकल नंबर है यहाँ पे जो भी एलसीएन रखना चाहते हैं 103 103 डालकर आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसके बाद सेटअप बॉक्स पे सर्च करेंगे तो आपका ये चैनल 103 पे स्टार प्लस दिखाने लगेगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आपके यहाँ पीएसआई एसआई नहीं लगा हुआ है तो भी आप इस डिवाइस के थ्रू एलसीएन को क्रिएट कर सकते हैं। अगर लगा हुआ है आप इसे जनरली रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आपका बैकएंड से आएगा डेटा और वो ले लेगा। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, अगर पीएसआई एसआई लगा हुआ है तो डिसेबल कर दीजिए, नहीं लगा है तो फ्रॉम वेब करके यहाँ पे एनआईटी क्रिएट कर लीजिए। एनआईटी क्रिएट करने के बाद और फिर आपको क्या करना है, टीएस में जाना है। टीएस में जाने के बाद आपको टीएस में यहाँ पे बता देता हूँ मैं, सॉरी टीएस में आना है। यहाँ पे आने के बाद पर्टिकुलर चैनल को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे सर्विस नेम जो है वो डाल दीजिए और ये लॉजिकल नंबर में जो एलसीएन रखना चाहते हैं वो एलसीएन रख के आप सेव कर सकते हैं। इस तरीके से एनआईटी एंड एसटीटी आप डाल सकते हैं चैनल में। उसके बाद है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज चैनल को स्क्रैम्बलर करना। दोस्तों सेम यहाँ पे है, स्क्रैम्बलर में चार कैश सपोर्ट करता है, मैं बता देता हूँ एक एक करके। इस तरीके से आप जिस टीएस पे जाना चाहते हैं उस टीएस पे आप जा सकते हैं। मैं पहले टीएस पे एग्जांपल देता हूँ और पहला कैश है, इसमें जो आपको ईसीएमजी आईपी डालना होता है, ईसीएमजी पोर्ट नंबर डालना होगा, चैनल आईडी 1 रखिए, ईएमएमपी डालिए, ईएमएमपी पोर्ट नंबर डालना होता है, फिर सुपर कैश आईडी डालना होता है।
डालने के बाद फिर आपका जो स्क्रैम्बलर आईपी है, एक ही आईपी यहाँ पे सिलेक्ट करता है 32 TS के लिए, एक ही आईपी पे ECM और EMM जनरेट होती है। तो आपके हेडन में जो भी आईपी है यहाँ पे एडिट नहीं कर पाओगे, इसके एडिट करने के लिए हमें नेटवर्क में आना पड़ता है। वहाँ पे सपोज 135 आपका आईपी है, 135 कर दिया, अप्लाई कर देंगे और यहाँ पे स्क्रैम्बलर पे आके देखोगे आप तो आईपी मॉडिफाई हो गया है, ये देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक करने के बाद आपको पर्टिकुलर कैश को ऐसा कैश इनेबल करके यहाँ पे सेट कैश कर देते हैं। सेट कैश करने के बाद आप देखोगे कि आपका डेटा आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ये सेट कैश करने के बाद आपको एक्सेस क्राइटेरिया जनरेट करनी होती है। एक्सेस क्राइटेरिया करने के लिए एसी टेबल पे आना होता है। एसी टेबल पे आने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करिए। जैसे मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है, उसके लिए एक और बना देता हूँ। सपोज मेरा सेकेंड चैनल है GTV, तो GTV के लिए जो भी एक्सेस क्राइटेरिया है, अभी मैं डमी डाल रहा हूँ, एक कोई जरूरी नहीं है, जो भी है ऐसा डाल के ऐड पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे एक्सेस क्राइटेरिया बन चुका है। और इसी तरीके से सेकंड कैश पे सेम सारा पैरामीटर्स फिल करना है, कैश को इनेबल करके यहाँ पे सेट कैश करना है। उसके बाद एक्सेस क्राइटेरिया में ऐसे टेबल बनाना है। एक्सेस टेबल के लिए सपोज ऐसी इंडेक्सिंग यूनिक रखना चाहिए ताकि पता चले कौन से कैश के लिए कौन है। तो एक में चैनल का नाम दे दिया, दूसरे में मैं नंबर डाल देता, तो जो भी है ऐसे डाल दिए मैंने, ऐड कर देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे एक्सेस क्राइटेरिया जनरेट हो चुका है। इसे क्लोज कर देते हैं। अब बताता हूँ मैं चैनल को स्क्रैम्बल कैसे करना है। पहले कैश पे आ जाते हैं, चैनल को ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी है आप एक्सेस क्राइटेरिया लिस्ट में से सिलेक्ट करके अप्लाई कर देना। उसके बाद सेकेंड कैश पे आना है, सेकेंड कैश पे सेम चेकबॉक्स को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जो भी एक्सेस क्राइटेरिया है उसको सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। और ये जो ग्रीन है, और जैसे ही आपका कैश का डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा, ग्रीन वाला रेड हो जाएगा, बाद आपका चैनल स्क्रैम्बल हो जाएगा। इस तरीके से चैनल को स्क्रैम्बल करते हैं हर एक कैश में आकर, ठीक है दोस्तों। और ये होने के बाद आप जैसे ही करेंगे सेट प्रोग्राम कर देना, आपको सारा चैनल स्क्रैम्बल हो जाएगा। स्क्रैम्बल करने के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद आपको मॉड्यूलेटर बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ मॉड्यूलेटर पे आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड में J83.DVC सिलेक्ट करना है। उसके बाद जहाँ से फ्रीक्वेंसी आपको यूज करना है, सपोज 306 है, बैंडविड्थ मेगाहर्ट्ज 8 का डिफरेंस रखा है, 64 क्वैम है। जैसे आप अप्लाई करोगे प्लस 8 होके सारा फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं जनरेट हो चुका है मेरा। और यहाँ पे आप मॉनिटर भी कर सकते हैं कि कौन से चैनल पे कितना बिटरेट कंजम्पशन हो रहा है, बैंडविड्थ को भी आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पे आना है और यहाँ पे सेव करना है। और यहाँ से आप बैकअप भी ले सकते हैं और बैकअप अपलोड करना है तो यहाँ से लोड पे आके अपलोड भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने बताया था इनपुट स्टेटस, मैं लास्ट में बताऊंगा। इनपुट स्टेटस पे आकर आप जो भी मल्टीकास्ट आईपी है उसके साथ आप देख सकते हैं कि आपका बैंडविड्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कोई भी चैनल का प्रॉब्लम, जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस TS पे बैंडविड्थ नहीं आ रही है, तो यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बैंडविड्थ नहीं आ रहा है। अगर ये जो ग्रीन स्टेटस है अगर ये ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है आपको फिजिकली आपको इनकोडर से डेटा आपके मक्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो उस केस में चेक करना होता है। उसके तरीके से आउटपुट स्टेटस है, आउटपुट स्टेटस में भी आपको सेम ही काम है, फ्रिक्वेंसी वाइज आप चेक कर सकते हैं सारा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे मेजरमेंट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं बैंडविड्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है। और उसके बाद आपका सारा चीज होने के बाद आप इसे कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद कुछ ऐसा आता है इंटरफेस। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन कलेक्शन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।